नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनबर्ड न्यूज नेटवर्क में। तो सरकारी ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चाइना स्टेट सिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSSC की अनुसंधान संस्थान में बड़े मानव रहित जहाज परियोजना की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए समारोह आयोजित कर चुका है। बताते हैं कि जहाज में उच्च गति अधिक क्षमता तो है ही, लेकिन साथ ही स्थानीय रूप से विकसित प्रणोदय प्रणाली से भी ये लैस है। चीन अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खबरों के हिसाब से चीन का तीसरा विमान वाहक पोत और पोतों से बड़ा होगा। आपको बता दें कि चीन का पहला विमान वाहक पोत लियाओ ओनिंग है और चीन के स्वदेश निर्मित दूसरे विमान वाहक पोत का नाम सैडोंग है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। बता दें, राज्य द्वारा संचालित साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने कहा है कि जहाज समुद्री आपदा रोकथाम और समन पर्यावरण निगरानी और अतटीय पवन फार्म रखरखाव के साथ साथ सटीक समुद्री जानकारी देने में एक कुशल उपकरण हो सकता है। खबरों के हिसाब से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC के साथ ही साथ सेना की अगवानी भी करते हैं, बता दें कि जिनपिंग ने सेना में व्यापक सुधार किए हैं, जिसमें सेना का आकार तो कम है ही होगा ही, लेकिन नौसेना और वायुसेना की भूमिका को बढ़ाना भी शामिल है। अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती में सैन्य ठिकानों के साथ वैश्विक विस्तार भी शामिल है। वैसे तो चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता आया है, वहीं ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम भी चीन के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकते आए हैं। अगर दक्षिण चीन सागर की बात करें तो बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना रखे हैं। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर भी लिया है और अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विस्तार और आधुनिकीकरण भी किया है। तो ये थी पूरी बात, बने रहिए एनवर्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।